सलमानियंस हो जाइए तैयार, क्योंकि भाईजान ने अपनी कमिटमेंट निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घाटे का सौदा हो या प्रॉफिट का, सलमान ने कमिटमेंट कर दी अपनी जनता के लिए तो उसे निभाएंगे। और सलमान खान ने दोस्तों तय कर लिया है कि 13 मई ईद पर ही रिलीज होगी राधे द मोस्ट वांटेड भाई। सिनेमाघर खुले तो खुले, नहीं तो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये तय है कि जी के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आपको पर व्यू के पैसे देने पड़ेंगे राधे देखने के लिए, और सिनेमाघर खुल गए तो ये सिनेमाघर में भी आप देखेंगे। सलमान खान की फिल्म राधे का ऑफिशियल ट्रेलर भी आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेलर आपको कल देखने को मिल जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये ट्रेलर आप सबके सामने है, 22 अप्रैल को आपके सामने आ जाएगा राधे द मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर। और सलमान खान के ट्रेलर के बाद एक के बाद एक करके ट्रेलर से नए नए गाने आप सभी सुनेंगे। और सलमान खान ने एक साल के इंतज़ार के बाद फाइनली राधे की ऑफिशियल ट्रेलर डेट अनाउंस कर दी है। तो दोस्तों सलमान खान की राधे फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आपके भाईजान ने अपनी कमिटमेंट निभाने के लिए दोस्तों फिल्म में घाटे का सौदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी जानते हैं, अगर ये फिल्म नॉर्मल टाइम पे रिलीज़ होती, जब कोरोना ख़त्म हो चुका होता, तो ये फिल्म 300-400 करोड़ कमाती। अगर अब सिनेमाघर दोस्तों बंद होंगे तो ये फिल्म कैसे कमाएगी, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, तो कईयों में थिएटर्स बंद हैं, तो खुले भी हैं तो उनमें ऑक्यूपेंसी कम कर रखी है, क्योंकि एक सीट छोड़कर एक ही जने को बिठाते हैं। ऐसे में दोस्तों राधे सलमान खान फिर भी रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जनता को वादा कर चुके हैं कि ईद पर आप ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। बस इसीलिए सलमान खान अपने फैंस के लिए फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सिनेमाघर आपके शहर में खुले हैं तो आप सिनेमाघर में देख पाएंगे, और अगर बंद है तो जी के OTT प्लेटफॉर्म पर आपको राधे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।